मुरादाबाद से खबर मिल रही है, अपर नगर आयुक्त को जान से मारने की धमकी दी गई है। सपा नेता यूसुफ मलिक ने धमकी देने का आरोप लगाया। टैक्स वसूली अभियान के तहत यूसुफ मलिक पर कार्रवाई, कार्रवाई से नाराज होकर धमकी देने का आरोप। बेटी के घर पर सील लगाए जाने से नाराज समाजवादी पार्टी के नेता ने अपर नगर आयुक्त को फोन पर जान से मारने की धमकी दी, इसके साथ गाली गलौज भी किए, ये आरोप लगाए गए हैं। अपर नगर आयुक्त ने इसकी जानकारी लगने पर नगर निगम कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। मामले में सिविल लाइन्स थाने में मुकदमा भी दर्ज करा लिया गया है। टैक्स वसूली अभियान के अंतर्गत नगर निगम की टीम ने सपा नेता की बेटी के मकान पर सील लगा दी थी और उनकी बेटी को उस समय घर में ही बंद कर दिया गया, जो कि घर में ताला लगाने से कैद हो गई। मौके पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता पर आरोप यह भी कि यूसुफ मलिक ने अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज की। यूसुफ मलिक का आरोप है कि उनकी बेटी घर पर थी और नगर निगम की टीम ने बाहर से सील लगा दी। आरोप यह कि मकान का टैक्स जमा होने के बावजूद भी निगम की टीम द्वारा घर को सील कर दिया गया, इसके प्रमाण के लिए रसीद भी उन्होंने दिखाई। हालांकि ये रसीद टीम के जाने के बाद मीडिया कर्मियों को दिखाई गई। हालांकि इस मामले में निगम कर्मियों का कहना है कि सील से छेड़छाड़ करके या किसी और रास्ते से मकान में लड़की को घुसाया गया है। जानकारी मिलने पर लड़की को घर से बाहर निकाला गया, इस मामले में भी मुकदमा दर्ज कराया गया। तो ये आपको बता दें, सपा नेता ने धमकी दी है और बेटी को घर में ही सील कर दिया गया उनकी टैक्स ना जमा करने पर, और नगर आयुक्त को, अपर नगर आयुक्त को ये धमकी दी गई है मुरादाबाद के जान से मारने की। अब शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है सपा नेता की तरफ से। हालांकि सपा नेता की तरफ से कहा गया है कि टैक्स जमा करा दिया गया था, लड़की को किसी और रास्ते से घर के भीतर दाखिल किया गया है, जबकि सपा नेता का कहना है कि जिस वक्त सीलिंग की कार्रवाई की गई उनकी बेटी घर में ही मौजूद थी और टीम जाने के बाद यहां पर ये रसीद जो है वो दिखाया गया। और इस वक्त हमारे साथ अपर नगर आयुक्त भी जुड़े हुए हैं जिनको धमकी दी गई है, ये हम आपको बता दें। उससे पहले क्या कुछ उन्होंने कहा वो आप सुनिए, फिर उनसे बात करेंगे। एक भवन पे जो कमर्शियल था 23 लाख का टैक्स बकाया था, उसने कई बार प्रयास के बाद जमा नहीं किया तो उसको टीम ने नियमानुसार उसके सीलिंग की कार्रवाई की। सीलिंग की कार्रवाई की तो उसके उपरांत एक व्यक्ति जिसका नाम यूसुफ मलिक है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपने किस तरह से सील लगवा दिया, टैक्स वसूली नहीं होगी, हम टैक्स नहीं देंगे और आप मुझे जानते नहीं हो, मैं मुझसे मुझे 20 साल पहले मेरे ऊपर। तो आपने सुना अपर नगर आयुक्त जो कि पूरे मसले को बता रहे थे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अनिल जी बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर थोड़ा सा ये पूरा मसला बताएगा, पूरी तरीके से मसला क्या हुआ? देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मार्च क्लोजिंग का महीना है, उसमें टैक्स वसूली के लिए हमारी टीमें जाती हैं। उसी क्रम में कल की घटना है, टैक्स के लिए गई थी, 23 लाख का टैक्स बताया था, जब जमा नहीं किया तो टीम ने सीलिंग की कार्रवाई की। उसके विरोध में जिनका मैंने नाम लिया है, यूसुफ मलिक नाम के व्यक्ति ने मुझे फोन किया और धमकाया कि टैक्स की कार्रवाई आप ना कराएं, आप मुझे जानते नहीं है, मैं पूर्व मंत्री आजम खान का दायना हाथ हूँ, मेरे ऊपर 20 साल पहले गैंगस्टर लगाए हैं, मैं कई मर्डर कर चुका हूँ, जेल जा सकता हूँ। उन्होंने कहा मैं बाधा डाली, मुझे धमकियां दी, इससे कर्मचारियों भी आक्रोशित हुए, उन्होंने कहा जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। इस तरह से सरकारी काम में बाधा डालना और मुझे धमकी देना, इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मैंने मांग की है। बिल्कुल अनिल जी, चूंकि टैक्स वसूली का ये पूरा अभियान चलाया गया आपकी तरफ से, क्या टीम को ये मालूम नहीं था कि भीतर उनकी लड़की, और दूसरी चीज ये कि सपा नेता जिन्होंने धमकी दी है उनकी तरफ से रसीद भी कोई दिखाई जा रही है, ऐसी जानकारी भी है जिसमें कहा गया है कि टैक्स पे कर दिया गया था यहाँ पर? ये दो भवन है, वो गलत बता रहे हैं, दो मकान है, एक मकान है जो रेजिडेंशियल है जिसमें बकाया 23 लाख का है, वो कॉमर्शियल है जो एक फैक्ट्री है, और जिस समय सीलिंग की कार्रवाई की उस समय की वीडियोग्राफी हमारे पास में है, उस समय कोई मकान के अंदर नहीं था, ये बाद में सरकारी सील को तोड़ करके उसमें षड्यंत्र के तहत घुसाया गया, इसके खिलाफ एक अन्य एफआईआर हमने थाना कटघरे में दर्ज कराई है। अनिल जी नोटिस कितनी बार जा चुका है यहाँ पर? इसमें नियमानुसार नोटिस, बिल, डिमांड नोटिस सभी जा चुका है और कई बार प्रयास करने के बावजूद भी, कहने के बावजूद भी टैक्स को जमा नहीं किया, और ये दो अलग अलग टैक्स है, एक मकान का रेजिडेंशियल और एक कॉमर्शियल बिल्डिंग जिसको सील किया गया। ठीक, धन्यवाद।
ठीक, शुक्रिया अनिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि अपर नगर आयुक्त मुरादाबाद के, जिनको धमकी दी गई है सपा नेता की तरफ से यहां पर कार्रवाई करने पर।